किसानों पर एक फोन गया है भाई को, किसान भारत वर्ष का किसान कहीं ना कहीं तो बहुत ज्यादा दुष्ट है और बहुत ज्यादा अपने आप को पीड़ित और दुखी महसूस कर रहा है। इसका बड़ा छोटा सा जीता जागता सबूत मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, हमारे देश भारत के अंदर में कोई सरसों की कमी नहीं पड़ गई है, हमारे देश में सरसों बहुत है, लेकिन इतिहास गवा रहा है जो आज सरसों का तेल का जो आज मूल्य है, क्या वो भविष्य में कभी इतना ऊंचा रहा? क्रांति जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय साथियों नमस्कार, आज हम सब किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर सब लोग एकत्रित हुए हैं और आज 5 तारीख की किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से कॉल थी। आदरणीय साथियों नमस्कार, सब लोग एकत्रित हुए हैं और आज 5 तारीख की किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से कॉल थी, जिसके एवज में और जिसके नेतृत्व में हम लोगों को जेपी टोल जाना है और जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज हमको जेपी टोल पर जाना था, किसान संयुक्त मोर्चा का जो है आह्वान है, उनकी कॉल है, आज उस कॉल के आभार ध्यान में रखते हुए हमको जेपी टोल पर जाना था और जेपी टोल पर जाकर के वहाँ अपना धरना हमें देना था। उसके संबंध में आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और वहाँ ही जाने के लिए सभी युवा भाई यहाँ पर आए हैं। अगर पुलिस प्रशासन आपको रोकता है तो क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, पुलिस प्रशासन अपना कार्य करे और किसान अपना काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन का ठीक है, वो अपना अधिकार है, वो अपने अधिकार के बिहार पर जो भी उन्हें ठीक लगेगा वो अपना काम करेंगे, लेकिन किसान अपना काम करेगा। कुछ संगठन ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि कुछ संगठन जो कृषि कानून के खिलाफ बोल रहे हैं, उस टाइम ऐसा वक्त नहीं है कि आप बहस करें या सड़कों पर उतरें। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस समय हमें ये दिखता है कि हम बंगाल को देखें, हम अन्य प्रदेशों को देखें, उस समय इनका समय कहाँ चला जाता है। ये 10-10 रैलियाँ लगातार कर रहे हैं, इन्होंने जो है कोरोना का जो है एक बीमारी का ये बहाना ले रखा है। कोरोना है, मैं मानता हूँ कोरोना है, लेकिन कोरोना इनकी रैलियों के समय कहाँ चला जाता है। ये प्रदेश सरकार के ऊपर में भी, राज्य सरकार के ऊपर में भी, केंद्र सरकार के ऊपर में भी जो है बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये मेरा जवाब दें प्रधानमंत्री जी कि प्रधानमंत्री जी, जब आप मन की बात करते हैं तो किसानों की आप बहुत उत्साहवर्धन करते हैं, लेकिन आखिरकार आज ऐसा क्या हो गया जो सरसों के तेल में इतनी आग लग गई? आप लोकल को वोकल करना चाहते हैं, आज लोकल को वोकल करने के संबंध में जो है अब तक हमारे देश को जो है आज़ाद हुए 75 से 76 साल हो गए, लेकिन अब तक तो हमारे देश में इतना महंगा तेल नहीं हुआ। आज जाने की पूरी तैयारी है, आज जाने की पूरी तैयारी है। पुलिस प्रशासन अपना काम करे, स्वतंत्र है, और किसान अपनी तरफ से स्वतंत्र है, और लगातार हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा, हम जाएंगे। और अगर हमें किसी भी कीमत पर अगर रोका गया तो संयुक्त मोर्चा की कॉल पर संयुक्त मोर्चा उसका जो है सीधा इनसे जवाब पूछेगा, भाई आखिरकार किसानों को क्यों रोका जा रहा है और उन्हें अपनी बात रखने क्यों नहीं दी जा रही है। जय जवान जय किसान, भारतीय किसान क्रांति जिंदाबाद।